नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी खंड शिक्षा अधिकारी एग्जाम या किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, उपभोक्ता की जीवन शैली को मापने वाले विज्ञान को कहते हैं। ऑप्शन है एर्गोनॉमिक्स। नेक्स्ट है, रासायनिक रूप से वाटर ग्लास क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम सिलिकेट। ये होता है रासायनिक रूप से वाटर ग्लास। कौन सा जल डमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है? ऑप्शन सी हो जाएगा पाक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी शुक्र ग्रह को। पोटा को सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? ऑप्शन बी जम्मू एवं कश्मीर। निम्नलिखित में से एक कौन सी आग्नेय शैल है? ऑप्शन सी ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस फारेनहाइट ताप को ज्ञात कीजिए जो 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो। ऑप्शन बी 68 डिग्री फारेनहाइट। नारियल फल के किस भाग को हम खाते हैं? ऑप्शन ए भीतरी गूदा खाते हैं। नेक्स्ट है, विश्व के प्रमुख व प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र समशीतोष्ण कटिबंध में स्थित है क्योंकि? कूट के माध्यम से आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों कथन सही हो जाएंगे जिसमें पहला कहता है यहाँ गर्म व शीतल जल धाराएँ मिलती हैं जो प्लैंकटन के विकास के लिए उपयुक्त दशा होती हैं। अगला कथन है, इस क्षेत्र के जल की मछलियाँ स्वादिष्ट होती हैं। तीसरा है, इस क्षेत्र के स्थलीय भाग मछलियों के बाजार हैं के बड़े बाजार हैं। चौथा कहता है, अर्धसागरीय पठारों की स्थिति मछलियों की संख्या में वृद्धि में सहायक होती हैं। अगला है, ग्रेनाडा स्थित है। तो ग्रेनाडा कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी पूर्वी कैरिबियन सागर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित हैं? कूट के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन बी हो जाएगा, चारों कथन सही हैं। पहला है, भूकंप की उत्पत्ति जो होती है वो भूकंप व केंद्र के कारण, और अधिकेंद्र ये हो जाएगा भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर स्थित स्थान क्या होता है? अधिकेंद्र। फिर एस तरंगे क्या होती हैं? ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। फिर है रिएक्टर पैमाना, ये हो जाएगा भूकंपीय प्रचंडता। नेक्स्ट, सूर्य किसी भी समय इनमें लंबवत स्थिति में नहीं होता। ऑप्शन बी, तीनों कथन स्टार्टिंग के सही हैं। जैसे कि पहला है उत्तरी समशीतोष्ण कटिबंध, दूसरा है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा है उत्तरी शीत कटिबंध। नेक्स्ट, किस पर्वत श्रृंखला से होकर कोंकण रेलवे गुजरती है? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख निम्न में से कहाँ मिलता है? ऑप्शन सी भगवद गीता में। नेक्स्ट, अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आए? ऑप्शन बी जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया? ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक थे। ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। अगला है, कथन है, कारण है और कूट के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं, परंतु जो आर है वो एक ही व्याख्या नहीं करता है। कथन देखिए क्या कहता है, नई एग्जिम नीति उदारवादी बाजार परक है तथा भूमंडलीय व्यापार के अनुकूल है, और कारण भी सही है। GATT के अर्थव्यवस्था के उदारीकरण में
एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के दौरान एक वर्ष में सर्वाधिक अध्यादेश या कह सकते हैं 29 जारी किए? ऑप्शन ए फखरुद्दीन अली अहमद। अगला है, निम्नलिखित में से किन्हें जुड़वा खनिज या ट्विन मिनरल्स कहा जाता है? ऑप्शन सी सीसा कामा जस्ता। अगला है DWI ड्राइंग वाइल इंटो एक्साइटेड ओके अन्वेषण हेतु प्रयुक्त श्वास विश्लेषक में क्या होगा? कूट के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन सी हो जाएगा पहला और दूसरा सत्य हैं। पहला क्या कहता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट यौगिक प्रयुक्त होता है और सुरक्षित सीसा 0.10% अल्कोहल से कम है। ओके ये दो कथन सही हो जाएंगे। अगला है, नीचे दिए गए युग्मों से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन बी केवल दूसरा वाला गलत है, बाकी के जो तीन है वो सही हो जाएंगे। पहला है बुशमैन, ये हो जाएगा कालाहाड़ी मरुस्थल। फिर है बिंदीबू, इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। फिर है खिरगिज, इसका हो जाएगा एशियाई स्टेपी। गाइस अपना आपका अगला क्वेश्चन है, मध्य अक्षांशीय वन किस प्रकार के होते हैं? कूट के माध्यम से बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा पहला और दूसरा। पहला है पर्णपाती होते हैं, दूसरा है कोणधारी होते हैं। नेक्स्ट है, गैसोलीन को निम्नलिखित में मिश्रित करके गैसोहाल बनाते हैं? ऑप्शन सी एथिल अल्कोहल ओके। फिर है रिबोफ्लेमिन है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन्स। अगला है एलिजारिन है, तो एलिजारिन क्या होता है? ऑप्शन ए एंथ्राक्विनोज रंजक। अगला है, निम्नलिखित तत्व से सर्वाधिक यौगिक बनते हैं? ऑप्शन बी कार्बन। नेक्स्ट है, कुछ खाद्य पदार्थ बनाने में काम आने वाली पेक्टिन यौगिकों के निम्नलिखित वर्ग में आती हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित आकृति है? ऑप्शन बी हो जाएगा डाइक। नेक्स्ट है, अगर गर्म कॉफ़ी के प्याले को कमरे में धातु की मेज पर रखा जाए तो किसी निम्नलिखित तरीके से उसकी ऊष्मा नष्ट होगी? ऑप्शन डी चालन संवहन विकिरण और वाष्पन के माध्यम से। नेक्स्ट है, ग्रीन बिच माध्य समय तथा स्थानीय समय में अधिकतम 12 घंटे का अंतर रखने वाले देश हैं? कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन डी सभी देश। पहला है अकरा, दूसरा है रिक्याजाविक, तीसरा है डबलिन, चौथा है ऑकलैंड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का पहिया और धुरी कारखाना कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है बंगलुरु। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान ISI कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी हैदराबाद। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 200। छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है? ऑप्शन डी किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्तियों का लगे रहना। अगला है, अजरक प्रिंट किस स्थान की प्रसिद्ध हस्तशिल्प कला है? ऑप्शन बी बाड़मेर। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है ये भी बताना है? ऑप्शन बी दूसरा वाला कथन। दूसरा क्या है, पिछले दशक में बाजार कीमतों पर और कोष्टक में रुपयों में सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट, कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को कहते हैं? ऑप्शन सी फिशर ट्रॉप्स प्रक्रम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में साधारणतया इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? ऑप्शन डी तांबा। अगला क्वेश्चन है,
केंद्रीय बैंक साख निर्माण किस प्रकार करता है? ऑप्शन ए कागजी मुद्रा निर्गमन करके। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से बड़ा है? ऑप्शन डी वरुण ग्रह। देश का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद। अगला है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? कोड के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन डी हो जाएगा, स्टार्टिंग के तीनों कथन सही हैं। पहला कहता है, अम्लीय वर्षा चूना पत्थर से बनी इमारतों से अभिक्रिया करती है। और दूसरा है, सल्फर युक्त कोयले का दहन अम्लीय वर्षा में भागी हो सकता है। तीसरा है, प्रदूषण के नियंत्रण के लिए सुपोषण एक प्रभावी युक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गाइस बनता है, महासागरीय जल की लवणता में विभिन्न रसायनों का सही क्रम होगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सबसे पहले सोडियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, फिर एक कैल्शियम सल्फेट। अगला है, उदयपुर के निकट एक लिंग देव जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो ऑप्शन बी बप्पा रावल। खजुराहो के प्रख्यात मंदिर निम्नलिखित में से किस शैली के उदाहरण है? ऑप्शन बी नागर शैली। कामायनी के रचयिता थे? ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भौतिक आकृतियों का निर्माण नहीं होता है? ऑप्शन सी संबहन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और कोड के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा आपका कथन सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा, एक और दो दोनों कथन सही हैं। पहला कहता है, ई कचरे की समस्या से निपटने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टेप कार्यक्रम की शुरुआत की है। दूसरा है, इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माताओं से कहा जा सकता है कि वे अपने उत्पादनों में खतरनाक रसायनों का प्रयोग कम से कम करें। और अगला है, बिल्स्टर कांपर है? ऑप्शन सी अशुद्ध कांपर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुचर्चित पुस्तक व्हाइट मुगल्स के लेखक कौन है? ऑप्शन सी विलियम डेल रिम्पल। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।